हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन भावनाज हैंगआउट। आज की रेसिपी है आलू फिंगर चाट, या फिर आप इसे भूंगरा चाट भी कह सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाना भी आसान है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए फ्राइम्स, जिन्हें पुंगा, फोफी, भूंगरा बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और ये मार्केट में फ्राई, नॉन फ्राई, कलर में, प्लेन, हर तरीके से इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ मैंने 8 फ्राई किए हुए पुंगा लिए हैं। और सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बॉल में उबले हुए आलू, जिसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं, वो लिए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, और साथ में डालेंगे बिना बीज के बारीक कटे हुए टमाटर। और हाँ, धनिया पत्ती ऐड करना आप इसमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अब बारी आती है इसके अंदर मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ नमक, फिर जाएगा इसके अंदर चाट मसाला, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। जितना आप तीखा खाना पसंद करें उसी हिसाब से डालें। और साथ में ये भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, और अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हरे धनिए की चटनी, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट इसको देगी, और साथ में नींबू का रस, ये आप ज़रूर डालें। बस अब ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर मसालों को और सब्जियों को अच्छे से मिलने तक मिलाना है, ताकि एक बढ़िया चटपटा तीखा मसाला बनके तैयार हो। और यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया है, और इधर हमारे फ्राइम्स भी रेडी हैं। बस दिक्कत क्या है कि फ्राइम्स की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसको बीच में से कट कर देंगे और इसके दो भाग बना लेंगे, ताकि मसाला भरने में आसानी हो और मसाला इसके अंदर आसानी से चला जाए। सभी के हमें इसी तरीके से पीसेस करने हैं। इधर हमारा मसाला तैयार है, बस अब इस मसाले को हमें फ्राइम्स के अंदर फिल करना है। तो थोड़ा सा मसाला हम हाथ में लेंगे और अपने फिंगर की हेल्प से पुश करते हुए मसाले को इसके अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। ये प्रोसेस हमें दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करनी है, ताकि पाइप के अंदर मसाला अच्छे से भर जाए, और जब हम इसे खाएँ तो ये हमें खाने में फीका बिल्कुल भी ना लगे। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी इसे बनाएं तो तुरंत ही सर्व करें, इसे रखें ना, क्योंकि अगर आप रख देंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। इसके दोनों किनारों पर मैंने यहाँ पे बारीक वाले सेव, जिन्हें नायलॉन सेव कहते हैं, वो लगाए हैं। सारे हमें इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बारी आती है इनको सर्व करने की।